दोस्तों, सीता हरण की कहानी कौन नहीं जानता। शायद आज के समय में बच्चे बच्चे को इस घटना के बारे में पता होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाराज दशरथ की गलती के कारण हुआ था सीता का हरण। अगर महाराज दशरथ इतनी विशाल भूल नहीं करते तो शायद सीता का हरण नहीं हो पाता। दोस्तों, महाराज दशरथ ने एक बहुत ही विशाल भूल कर दी थी, जिसे भूल के कारण मैया सीता को उसका नतीजा भोगना हुआ। दशरथ की भूल के कारण मां सीता का हरण हुआ था। सीता को इतने कष्ट झेलने हुआ था, इसके पीछे कारण था सिर्फ और सिर्फ महाराज दशरथ, जो उनके ससुर थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी अलौकिक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। दोस्तों, आज के समय में सभी लोग विद्वान है, जिन्होंने बहुत सी कथा सुन रखी है, शायद अब सभी लोग जानते हो। लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी छोटी सी कहानी लेकर के आई हूँ। इस छोटी सी चर्चा के बारे में बताऊंगी। इस कथा को सुनने के बाद आप लोगों को मालूम पड़े देगा, हाँ, महाराज दशरथ अगर यह गलती नहीं करते तो शायद सीता का हरण नहीं हो पाता। वैसे दोस्तों, हमारे विद्वान कहते हैं रामायण की कई किताबें हैं और हर एक किताब में हर एक अलग कारण बना हुआ है। रामचरितमानस जो तुलसीदास महाराज की है, उनकी हर एक चौपाई मंत्र का काम करती है। तो चलिए, आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए एक और करते हैं इस कहानी की तरफ। की ऐसी कौन सी गलती हुई थी महाराज दशरथ से कि रावण माता सीता को हरण करके ले गया। वैसे दोस्तों, बहुत से पुराणों में अलग अलग मत मिलते हैं, सभी जगह अलग अलग प्रमाण मिले हैं। लेकिन इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि जब भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों की शादी हो गई और बारात लौटकर वापस अपने नगर में आई, तो महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा था कि कौशल्या, एक बात आप लोग हमेशा गांठ बांध कर रखे, क्योंकि आज तक आप सिर्फ और सिर्फ चारों बेटों की माँ थी और आज के बाद आप लोग मन होने के बावजूद चार बहू की सास भी बन चुकी है। तो उन्होंने महाराज दशरथ से पूछा कि क्यों। तो महाराज कहने वालों की सास और बहू का धर्म क्या होता है, जैसे घर में बेटे की बहू आ जाए, उसे घर में सास का यह धर्म बनता है कि दूसरे की बेटी हमारे घर में बहू बनकर के आ रही है, और सास का यह धर्म बनता है कि उसकी रक्षा ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे आंखों की रक्षा पलक करती है। नाना प्रकार के उपदेश दिए, बहुत तरह से उन्हें उनका धर्म समझाया। उसके बाद में दो चार दिन निकल गए तो एक दिन महाराज दशरथ के दिमाग में एक बात आई। महाराज ने विचार किया कि क्यों ना मैं अपनी चारों बहू की परीक्षा ले लूं, मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है। तो महाराज दशरथ ने अपनी चारों बहू को भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों बेटों की पत्नियों को सीता मांडवी सुकीर्ति और लक्ष्मण की पत्नी और उर्मिला इन चारों को अपने पास बुलाया और चारों को पास में बुला करके एक बात कही, देखो बेटा, चारों तुम मेरी पुत्री के समान हो, मेरी पुत्री हो तो मेरा एक आदेश है तुम्हारे लिए, अब चारों बहुएं खड़ी है। महाराज दशरथ आदेश कर रहे हैं। सभी ने कहा, कहो पिताजी क्या आदेश है। महाराज ने कहा, आदेश यह है कि आज तुम चारों अलग अलग रसोई बनाओगी, तुम चारों अपने अपने हाथ से मेरे लिए खाना बना कर लेकर आओगी और फिर देखते हैं कि कौन बहू कितनी चतुर है और कितनी जल्दी खाना लाती है। अब चारों बहू वहाँ से चली गई। सभी के दिमाग में यह बात आई कि मैं पहले पहुंच जाऊं। चारों के दिमाग में एक ही बात आई और उन सभी ने भोजन बनाना शुरू कर दिया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार किए गए। तो सबसे पहले भारत की पत्नी, जिसका
नाम था मांडवी, वह खाना लेकर चली। उन्होंने बहुत अच्छे से थाली को सजा लिया। सारी थाली में तरह तरह के पकवान रखे और ले जाकर थाली महाराज के सामने रख दी। दोस्तों, जिस चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे वहीं उन्होंने थाली ले जाकर रख दी और कहा, पिताजी भजन करिए। लेकिन मांडवी एक चीज भूल गई थी कि खाना खाने वाले को खाना देने से पहले पानी भी दिया जाता है। महाराज दशरथ ने देखा कि यह भारत की पत्नी आई है। चलो कोई बात नहीं, अभी छोटी है, नादान है, शायद अकल आ जाएगी। महाराज दशरथ नहीं, मांडवी के हाथ से भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली और बोल, बेटा आप जो, हम थोड़े देर में भोजन खा लेंगे। फिर दोस्तों, तब तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला चली आई। उन्होंने भी बहुत जल्दी जल्दी में भोजन बनाया था। उर्मिला ने भी एक थाली में भोजन सजाया, साफ सफाई अच्छे तरीके से भोजन थाली में लगाया और थाली सजाने के बाद उर्मिला भी भूल गई कि महाराज दशरथ को पानी भी देना है। दोस्तों, और उर्मिला भोजन की थाली लेकर के अपने ससुर यानी कि महाराज दशरथ के पास में पहुंच गई। अब महाराज दशरथ समझ गए कि लगता है यह भी बहू बिल्कुल ऐसी ही है। और दोस्तों, यह बात सच है कि अगर किसी को भोजन दिया जाता है तो भोजन खाने वाले को भोजन देने से पहले पानी जरूर देना चाहिए। लेकिन उर्मिला भी भूल गई। महाराज दशरथ ने उनके हाथों से भी थाली ले ली, बोल, बेटा आप भी जो, भोजन हम कर लेंगे। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पर चली शत्रुघ्न की पत्नी जिनका नाम सूर्तकीर्ति है और जल्दी जल्दी में भोजन उन्होंने भी बनाया। भजन इतना सुंदर बनाया था, इतना स्वादिष्ट बनाया जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन उनसे भी एक गलती हो गई। उनसे गलती यह हो गई कि श्रुति हाथ में भोजन की थाली लेकर के चली, लेकिन महाराज दशरथ को जल दबाजी में जल देना ही भूल गई। महाराज दशरथ ने शुद्ध कीर्ति के हाथ से भी भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली और वहीं पर रखने के बाद कहा, बेटा आप भी जाइए और हम थोड़ी देर में भोजन करेंगे। तीनों थाली रखी है, भरत की पत्नी की और लक्ष्मण की पत्नी की और शत्रुघ्न की पत्नी की। लेकिन महाराज दशरथ ने किसी में से एक भी ग्रास भोजन नहीं किया। इंतजार है, महाराज दशरथ विचार कर रहे हैं, जैसे भोले भाले मेरा बेटा राम है और मुझे लगता है कि उनकी पत्नी सीता भी उतनी ही भोली भाली है, क्योंकि यह वह चतुर इसीलिए भोजन बना करके जल दीले आई। लेकिन उधर जगत भवानी माता सीता ने बहुत सुंदर तरीके से सूर्य पार्क भोजन बनाया, इतनी सुंदर तरीके से कि जिसमें से सुगंध ही कुछ अलग आ रही थी। और मैया सीता ने एक थाली में भजन लगाया, 56 प्रकार के व्यंजनों को एक थाली में लगाया और थाली में लगा करके अपने हाथ में थाली उठाई चलने के लिए तैयार ही हुई। तब तक माता सीता को ध्यान में आ गया कि किसी को भोजन देते हैं तो भोजन देने से पहले पानी दिया जाता है। अब मैं, यह सीता ने विचार किया कि मैं तो पहले ही इतनी लेट हो गई हूँ, मेरी तीनों बहनें ससुर के पास भोजन लेकर पहुंच गई, मेरे पिताजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तब दोस्तों, मैया सीता ने कौन सा काम किया, सीता माता ने एक हाथ में भोजन की थाली, एक हाथ में जल का लोटा लिया। महाराज दशरथ बीच चौकी पर बैठे हुए देख रहे हैं और रसोई से जैसे ही माया सीता एक हाथ में भोजन की थाली लेकर, एक हाथ में जल का लोटा लेकर के और रसोई की चौखट से एक पैर अंदर एक पर बाहर रखती है तो महाराज दशरथ की नजर सीता तो आ गई। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, वास्तव में थोड़ी देर में जरूर आई है, लेकिन मेरी बड़ी बहू बहुत ही चतुर है, एक हाथ में जल का लोटा, एक हाथ में भोजन की थाली लेकर के आ रही है। तब दोस्तों क्या हुआ, सीता माता ने भी देख लिया कि मेरे पिताजी मेरे ससुर मुझे देख रहे हैं, पता नहीं क्या जवाब देंगे। ऐसे ऐसे विचार सोचती हुई मैया सीता चली आई। तब तक क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा सा हवा का झोंका आया और हवा के साथ एक दिन का तिनका उड़ता हुआ रहा था। ऐसे में महाराज की निगाह सीता के ऊपर थी और सीता की निगाह उसे तिनके के ऊपर, माता पिता दिनके को देखकर सो रही है।
कि अब मैं क्या करूं। इतने में ही दोस्तों वह तिनका उड़कर करके खाने की थाली में गिर गया और माता सीता को तो पसीने आ गए। दोस्तों कहते हैं कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। अब माता पिता सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, अगर यह थाली पिताजी को दूंगी तो पिताजी कहेंगे यह कितनी पागल है, यह तिनका पता नहीं कहां से उड़कर आया है और भोजन अशुद्ध हो गया है, और अगर मैं वापस जाती हूं तो पिताजी कहेंगे कि यह एक तो यह आई ही इतनी देर में और अब पता नहीं क्या भूल गई है कि दोबारा लेने गई है, और तीसरी बात मेरे हाथ दोनों गिरे हुए हैं, मेरे एक हाथ में तो थाली है और एक हाथ में जल का लोटा, अब इस तिनका को उठाओ तो उठाओ कैसे। दोस्तों माता पिता कोई साधारण स्त्री नहीं, मन सीधा तो भवानी थी। भवानी मैया को ऐसी बातें सोचते सोचते क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया कि जब माता सीता की दृष्टि उसे तिनका पर पड़ी तो उसे राख बनाकर उठा दिया। दोस्तों यह कर्तव्य महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से देख लिया। मैया सीता नहीं उसे तिनका को तो राख बना करके गायब कर दिया। और दोस्तों यह बात हकीकत है, पहले सभी की दृष्टि इतना तेज होता था जैसे भगवान भोलेनाथ बाबा ने अपने तीसरे नेत्र की दृष्टि को कामदेव के ऊपर डाल दिया था तो कामदेव को जला करके रख कर दिया था। इसी आंख की दृष्टि को मैया गांधारी ने अपने बेटे दुर्योधन के ऊपर डाल दिया था तो दुर्योधन का संपूर्ण शरीर वज्र का कर दिया था। इसी आंखों की दृष्टि को कपिल महात्मा ने सागर के 60,000 पुत्रों पर डाल दिया था, सागर के 60,000 पुत्रों को जला करके रख कर दिया था। अब दोस्तों इधर महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से यह सब देख लिया। अब महाराज दशरथ के सामने माता सीता ने जाकर के जल का लोटा रखा और थाली हाथ में लेकर के पिताजी की तरफ की बोली, पिताजी भोजन करो। महाराज दशरथ ने थाली हाथ में ले ली और थाली हाथ में लेकर थाली को रख दिया। महाराज दशरथ से सीता मैया ने कहा, पिताजी कोई गलती हो गई है, हमसे आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो महाराज दशरथ ने कहा, बेटा सीता मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं करूँगा। मैया सीता घबरा गई, पिताजी ऐसी कौन सी भूल हो गई हमसे जो आप मेरे हाथ का भोजन नहीं करना चाहते। दोस्तों महाराज दशरथ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे हाथ का भोजन करूंगा ही नहीं। माता सीता ने कहा, क्यों नहीं करेंगे पिताजी। महाराज दशरथ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे हाथ का भोजन जब तक नहीं करूंगा जब तक के तुम मुझे एक वचन नहीं दोगी। महाराज दशरथ की बात सुनकर के मैया सीता ने विचार किया, आखिर वह मेरे ससुर हैं, मेरे पिता के समान हैं, पता नहीं क्या मांगेंगे। माता सीता ने कहा, आप जो कहेंगे जो वचन मुझे मांगेंगे मैं दे दूंगी, लेकिन अब भोजन कीजिए। दशरथ महाराज ने कहा, बेटा तेरे हाथ का भोजन तो कर लूंगा, लेकिन मैं यह वचन लेना चाहता हूँ किंतु आज इसी समय मेरे सामने खड़ी होकर के एक प्रतिज्ञा कर। सीता माता ने पूछा, कौन सी प्रतिज्ञा। तो वो बोले, अभी मैं अपनी आँखों से देखा, भोजन की थाली में एक तिनका का गिरा था और उसे तिनके पर तुमने अपनी दृष्टि डाली थी, उसे दिन के को राख बना दिया। तो आज तो मुझे वचन दे कि तू आज के बाद कभी भी किसी के ऊपर अपनी आंखों की दृष्टि नहीं डालेगी। और मैया सीता इस समय अपने ससुर महाराज को यह वचन देती है कि पिताजी आप चिंता ना करिए, अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी जीवन में किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी। अच्छा दोस्त, अब सवाल आता है कि महाराज दशरथ नहीं वचन लिया क्यों। महाराज दशरथ समझते थे कि मेरे सबसे बड़े बेटा जो राम है वह थोड़े सुशील सज्जन है, तो अगर किसी दिन पति पत्नी में कोई अनुबंध हो गई और अगर सीता को क्रोध आ गया, क्रोध में आकर आंखों की दृष्टि को अगर मेरे बेटे के ऊपर डाल दिया तो मेरे तीन ही बेटे रह जाएंगे। फिर माता पिता नहीं यह वचन देते हुए कहा कि आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी। तो दोस्तों जिस समय मैया सीता लंका में थी रावण के यहाँ, तो जब दोस्तों रावण सीता को धमका रहा होता है
तलवार लेकर के कि एक बार मेरी तरफ देखा तो मैया सीता एक तिनका की तरफ देख करके सोचती है कि अरे तिनके अगर उसे दिन तो मेरा बेरी ना हुआ होता, मेरे पिता समान ससुर मुझे यह वचन न लेते तो शायद आज यह रावण मुझे धमका नहीं रहा होता, इसे मैं कप का जल करके राख बना देती। तो दोस्तों, मेरी समझ में महाराज दशरथ इसी गलती के कारण सीता जी रावण की कैद से खुद को मुक्त नहीं करवा सकती थी। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट में आकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ में आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, यह घटना अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से लाइक करते शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आए